नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। भले ही प्रदेश में अक्सर पेंशन की टेंशन को लेकर विरोध की तस्वीरें सामने आती हों, भले ही बुजुर्ग पेंशन के लिए परेशान हो, लेकिन मैडम मंत्री के मुताबिक हरियाणा ने पेंशन के मामले में एक लैंडमार्क स्थापित किया है। बूढ़ी आंखें, बेबस निगाहें, उम्र ने दिखाया जिंदगी का आईना, जिंदगी से भी जान, हक के लिए भी संघर्ष। ये आंखें कुछ कहती हैं, वादा दावा और हकीकत। सिर्फ टेंशन नहीं, टेंशन भी चाहिए। बुढ़ापे की टेंशन। कैबिनेट मंत्री कविता जैन के मुताबिक हरियाणा ने पेंशन में एक लैंडमार्क स्थापित किया है और वो ये बात दावे से भी कह सकती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कविता जैन का ही जिला मेवात के बाद पेंशन अपलोड के मामले में सबसे फिसड्डी है। आज कविता जैन के जिले में पेंशन का रियलिटी चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट फिर चर्चा। भले ही बैंकों में पेंशन अपलोड करने के मामले में कैबिनेट मंत्री कविता जैन का जिला सोनीपत सबसे पिछड़े जिलों में से एक हो, लेकिन उनके दावों में कोई कमी नहीं है। कविता जैन ने कहा कि हरियाणा ने पेंशन में एक लैंडमार्क स्थापित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई नया सिस्टम अपनाते हैं तो उसमें कई तरह की खामियां भी आती हैं। इतना ही नहीं, कविता जैन ने साथ ही ये भी दावा कर दिया कि डीबीटी स्कीम यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम सरकार की उपलब्धियों में गिनी जाएगी। दावे के साथ कह सकती हूँ कि हरियाणा ने पेंशन के अंदर एक लैंडमार्क स्थापित किया है, क्योंकि लगभग 23 लाख हमारी पेंशन्स में से हमने 20.5 लाख के करीब पेंशन्स को अपलोड कर चुके हैं हम लोग। और निसंदेह जिस दिन ये सक्सेसफुली हमारा रन हो जाएगा डीबीटी स्कीम, क्योंकि कोई भी नया सिस्टम हम अडॉप्ट करते हैं उसमें कुछ परेशानियां निसंदेह आती हैं, लेकिन अब ये कुछ बहुत माइनर रह गई है और जो थोड़ी बहुत कमियां पेंशन के रिगार्डिंग हैं उनको भी हम शीघ्र ही दूर कर लेंगे। तो आप देखिएगा कि हरियाणा का हर वृद्ध, हर पेंशन पाने वाला पात्र व्यक्ति वो आगे जाकर कितना सुखी होगा और वाकई इस सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मैडम मंत्री के दावों में कितना दम, क्योंकि कविता जैन के जिले के हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बैंक के जरिए पेंशन दिए जाने के सरकारी प्रावधान सोनीपत में नाकाम। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन लाभ पात्रों के बैंक अकाउंट अपलोड करने के मामले में सोनीपत काफी पीछे है। मेवात जिले के बाद सोनीपत जिला सबसे पीछे। मेवात में अब तक 72.26% पेंशन लाभ पात्रों के बैंक अकाउंट अपलोड हुए हैं, वहीं सोनीपत में 77.39% लोगों के खाते अपलोड हैं, जो कि सबसे कम है। वहीं पेंशन अपलोड के मामले में पंचकुला जिला पहले स्थान पर है। हाल ही में 28 नवंबर को सीएम खट्टर ने करनाल में खुला दरबार लगाया था। सबसे ज्यादा शिकायतें बुढ़ापा पेंशन को लेकर ही वहाँ आई थी। इन लोगों ने जितने भी पेंशन धारक थे उन सबके अकाउंट्स बैंक्स में खुलवाए हैं, बड़ी संख्या में लगभग 80% से ऊपर लोगों के अकाउंट्स खुल चुके हैं। बहुत सी शिकायतें इसलिए पेंडिंग है कि उनके हमने अकाउंट्स नहीं खुले हैं। जितने भी इस प्रकार के पेंशन हैं वो सब अकाउंट्स के माध्यम से जाएगी, ताकि किसी प्रकार की जो अभी तक की गड़बड़ियां हैं उनको दूर किया जा सके। जो पात्र लोग हैं पेंशन केवल उन्हीं को मिले, अपात्र लोगों को न मिले। जो शिकायतें आज ध्यान में आई हैं उन सबके बारे में निर्देश दिया गया है कि जिस जिसकी
पेंशन इस प्रकार से नहीं जा रही है, उनके अकाउंट खुलवा करके और एक महीने के अंदर अंदर उनके सबके पेंशन का करनाल जिले में आज कह दिया गया है। बाकी प्रदेश में भी इसी प्रकार से हम करेंगे ताकि वो अपने बैंक के अकाउंट खुलवाए और आधार कार्ड बनवाए, इसके बाद उनको पेंशन घर बैठे मिलेगी, पिछली भी जो रह गई है वो भी मिलेगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कविता जैन के दावों में कितना दम है, क्या पेंशन की टेंशन जल्द खत्म हो पाएगी? जब कविता जैन का जिला ही पेंशन अपलोड में पिछड़ा तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? क्या हरियाणा ने वाकई में पेंशन के मामले में लैंडमार्क स्थापित कर दिया? कब तक बुजुर्ग पेंशन के लिए बैंकों के चक्कर यूं ही लगाएंगे? ये सवाल बेहद अहम है और इसके जवाब का इंतजार जनता को बेसब्री से है। लेकिन एक बात तो साफ है कि प्रदेश सरकार ने 2000 रुपए प्रति महीने पेंशन देने का जो वायदा घोषणा पत्र में किया था, ना तो वो पूरा किया और अब भी सरकार का डीपीटी सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा बुजुर्ग भुगत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो हरियाणा न्यूज ने कुछ सवाल उठाए हैं, वो सवाल एक बार फिर से हम आपके सामने रख रहे हैं कि वाकई जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितना दम है। मंत्री साहिबा जो कह रही हैं उनके दावों में कितना दम है, क्या वाकई अब पेंशन की जो टेंशन है वो अब जल्द खत्म हो जाएगी? और जब कविता जैन का जिला ही पेंशन अपलोड में पिछड़ा है तो क्या अच्छे दिन आएंगे? और क्या हरियाणा ने वाकई लैंडमार्क इस मामले में स्थापित किया है? और कब तक बुजुर्ग पेंशन के लिए बैंकों के चक्कर लगाएंगे? ये अहम सवाल है हरियाणा न्यूज ने उठाए हैं, क्योंकि जिस तरीके का बयान दिया गया है वो महज बयान है या हकीकत है, ये एक रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपके सामने रखा। हरियाणा न्यूज के ये अहम सवाल हैं जो मंत्री साहिबा के बयान के बाद हमने आपके सामने रखे हैं। और आंकड़ों के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हकीकत से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं कि वाकई कितना पिछड़ा है हरियाणा पेंशन अपलोड के मामले में। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो पेंशन लाभ पात्रों के बैंक अकाउंट अपलोड करने के मामले में सोनीपत बेहद पीछे है। मेवात जिले के बाद सोनीपत जिला सबसे पीछे आ रहा है। मेवात में अब तक 72.26% पेंशन लाभ पात्रों के बैंक अकाउंट ही अपलोड हो पाए हैं। सोनीपत में 77.39% लोगों के खाते ही अपलोड किए गए हैं, जो सबसे कम है। पेंशन अपलोड के मामले में पंचकुला पहले स्थान पर है। बैंक के जरिए पेंशन दिए जाने के सरकारी जो प्रावधान है वो कम से कम सोनीपत में भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं, मेवात में भी कुछ वही हाल है। तो ये जो आंकड़े हैं वो ये बयां करने के लिए काफी हैं कि मंत्री साहिबा के बयान में आखिरकार कितना दम है। हाईटेक करने की बात कही गई, कहा गया कि हर चीज को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ई सिस्टम अपनाया जाएगा, हाईटेक किया जाएगा, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये आंकड़े हैं, और ये आंकड़े हम सिर्फ ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं, लेकिन आप चूंकि इस प्रदेश के निवासी हैं, आप हर रोज इससे दो चार होते होंगे, आपको पता होगा कि आखिर क्यों इस तरह के जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि पेंशन के लिए आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कितना चक्कर उनको बैंकों का लगाना पड़ता है। तो कई सारे सवाल हैं और इन सवालों पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी नमस्कार। महेंद्र जी, वाकई पहला जो सवाल है, और ये सवाल भी हमने उठाया इसलिए कि वाकई क्या अपलोड के मामले में जो दावे कर रही हैं कविता जैन वो सही हैं, उन दावों में आप कितना दम देख पा रहे हैं? देखो, जो रिपोर्ट आपने दिखाई है उसमें सिर्फ दावा ही दिखाई दे रहा है जी, लेकिन कहीं कोई अच्छा नतीजा दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर ये बात कहीं से भी स्पष्ट नहीं हो रही है कि ये जो पेंशन के जो अपलोड किए जा रहे हैं इससे राहत किस तरह से मिलेगी बुजुर्ग लोगों को। अच्छा होता कि कविता जैन ये बताती अपनी बातचीत में कि इतने महीने बाद या इतने दिन बाद या इतने सप्ताह बाद बुजुर्ग लोगों को बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये एक आदर्श स्थिति होती अगर मंत्री साहिब अगर इस तरह की अगर बात करती, लेकिन उन्होंने नहीं की। फिर एक बड़ी विरोधाभास बातचीत अभी जैसा कि आपने रिपोर्ट में अभी दिखाया, मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि सबों के आधार कार्ड, बुजुर्गों के आधार कार्ड वाली बात भी उन्होंने कही थी कि आधार कार्ड भी बनवाए जाए। अब आधार कार्ड जिस तरीके से बन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बुजुर्गों के समय सीमा के अंदर आधार कार्ड बन जाएंगे। किस तरह की परेशानी, एक बुजुर्ग में इतनी अब शारीरिक क्षमता नहीं है कि वो 5-5, 6-6 घंटे सेंटर पे जाके बैठ जाए और अपना आधार कार्ड। जब सरकार ये कहती है
कि बुजुर्गों को किसी भी काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको उनके घर पर ही तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम जो काम उनके वहीं पर ही होंगे। तो मुख्यमंत्री महोदय को ये तमाम चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए। अब आधार कार्ड सरकार चाहे तो घर बैठे बुजुर्गों का घर पर ही बनवा सकती है, लेकिन उन्होंने इस तरह का नहीं कहा। तो कुल मिलाकर जो पूरा सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि ये जो पेंशन वाला जो पूरा मामला है, जो आपने रिपोर्ट दिखाई है और जो बात बताई है, इसमें बुजुर्ग लोगों को आने वाले समय में तो कम से कम राहत मिलने वाली नहीं है। बुजुर्गों को पहले जिस तरह से वो बैंकों के चक्कर काटते आए हैं, वैसे उनको चक्कर काटना पड़ेगा। तो एक और चक्कर उनको काटना पड़ेगा कि पेंशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। तो वो आधा सरकार पहले तो ये स्पष्ट करे कि जिन बुजुर्गों को पेंशन देनी है, जो पात्र लोग हैं, उनका आधार कार्ड बनवाने की एक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जी। सबसे पहले तो जैसे कि एक पहली बाधा तो उनकी दूर हो, लेकिन वो चीज अभी नहीं हो रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, ठीक है आपने अपलोड कर लिया जी, 100% कर लिया हाँ। लेकिन उनको घर बैठे अपलोड होने के बाद भी पेंशन किस तरीके से मिलेगी? एक और चीज आप देखिए, जब मंत्री महोदय कहती हैं कि सारा ई सिस्टम हम करने जा रहे हैं, तमाम चीजें हैं, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की परिकल्पना कर रहे हैं, उन्होंने एक विजन भी सामने रखा है, तो सबसे पहले सरकार के पास पूरा जो ई सिस्टम है उसको करने के लिए जो योग्य कर्मचारी चाहिए, ई सिस्टम के जो अधिकारी चाहिए वो उनके पास लौटेंगे। इस पर चर्चा करेंगे संख्या में क्या क्या लूप होल्स हैं, पहले उसकी तरफ ध्यान दें। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रंजीता मेहता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजीता जी नमस्कार। नमस्कार जी। कविता जैन जी ने एक दावा किया है कि पेंशन के मामले में हरियाणा ने एक लैंडमार्क स्थापित किया है, लेकिन बहुत सारे आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि प्रदेश में पेंशन अपलोड के जो हकीकत है वो क्या है। सबसे ज्यादा फिसड्डी कविता जैन का ही जो जिला है वो ये है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इन्होंने हर चीज जो भी चुनावी वादे किए थे वो जमीनी हकीकत पर उतर नहीं पा पाए हैं, और सबसे ज्यादा बुरा हाल पेंशन का है जी। जितने भी बुजुर्ग हैं वो यही चाहते हैं कि हमें घर बैठे पेंशन मिल जाए, पर वो मिलने की बजाय इन्होंने अड़चनें और ज्यादा लगा दी हैं। पहले इन्होंने बैंक अनिवार्य कर दिया, फिर इन्होंने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया, और इतना जो मैक्सिमम बुजुर्ग हैं वो रिमोट एरियाज में रहते हैं। जब तक आप ये सुनिश्चित नहीं करते कि उनके आधार कार्ड बन चुके हैं, उनके बैंक अकाउंट खुल चुके हैं, तब तक आप ये कैसे अनिवार्य कर सकते हैं और एक उनको कैसे सुविधा प्रदान कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब हमारी 10 साल पहले सरकार थी, 200 रुपए पेंशन से हमने शुरू किया था, और हमने इस बार ये वादा किया था कि इस पेंशन को बढ़ाकर हम 1500 रुपए कर देंगे, और इन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा कि हम इस पेंशन को 2000 कर देंगे, और जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने लोगों को फिर से ठगा कि हर साल 200 रुपए बढ़ाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं इनके कहने और करने में बहुत फर्क है। जमीनी हकीकत पे जो ये प्लान करते हैं, ई टेंडरिंग, ई सब कुछ करना चाहते हैं, वो जमीनी हकीकत पे एक्चुअल में नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से असुविधा जो है वो आम नागरिकों को आ रही है, आम बुजुर्गों को आ रही है। रजिता जी आप फोन लाइन पर बने रहे, हम आपसे आगे बातचीत भी जारी रखेंगे। रेणु भाटिया इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रेणु जी आपसे रंजीता मेहता के जो सवाल है उन पर तो जवाब हम लेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार जो है वो आपकी प्रतिक्रिया लेना जारी रखेंगे। जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए विशेष। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। गुलमोहर सिटी NH-65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए
Gulmohar City, the city of joy in Kathal. Kal sun oye mere yara, XL hum sab ka pyara, XL ka har ek vaar, gulli dande par sabse asardar. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है विशेष में। विशेष में आज हम बात कर रहे हैं पेंशन पर आए मंत्री कविता जैन के बयान की। उनका ये कहना है कि हरियाणा ने पेंशन के मामले में एक लैंडमार्क स्थापित किया है। पेंशन जो अपलोड होता है उसके मामले में भी हरियाणा काफी तरक्की पर है, प्रगति पर है, लेकिन आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, रंजीता मेहता हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी की तरफ से रेणु भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से कविता जैन ने अपनी बात को रखा, वो आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं, मंत्री साहिबा की बात कुछ और बयां कर रही है, और जिस तरीके से आरोप कांग्रेस की तरफ से रंजीता मेहता लगा रही हैं कि आप लोगों ने कहने में ज्यादा यकीन किया है, करने में नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर मैं बात शुरुआत यहाँ से करूँ की कविता जैन जी ने क्या कहा, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है जिसको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी दोस्त रंजीता जी, और अभी मैं उनको सुन रही हूँ, यहाँ पर आपने सुनवाई उनकी मुझे बात, मुझे उम्मीद है ये दोनों मेरे साथी इस बात को जरूर सहमति देंगे, बिलीव करते हैं होंगे कि जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, डिजिटल जमाने की ओर बढ़ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी भी चाहते हैं, तरक्की भी चाहते हैं, जब हम इतना कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें समय के लिए भी सोचना पड़ेगा। और अगर कोई नई चीज की शुरुआत होती है तो उसके गुड्स एंड बैड्स सामने आते हैं, लेकिन जहां तक चीज की बात है, तो हमने पेंशन धारकों की, आपने देखा होगा और सुना भी होगा, आपने कई बार अपने आंकड़ों में भी बताया, कई बार आपकी न्यूज में भी हमने देखा कि ज्यादातर पेंशन जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनकी भी पेंशन लोग लेते थे, कुछ लोगों से दलाल टाइप के लोग बीच में आकर रिश्वतखोरी करते थे, वहां पर भी उनको परेशान करते थे, वो बुजुर्ग बड़े परेशान रहते थे। उस समय में हम लोग ऑपोजिशन के लोग थे, और मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं स्वयं कई बुजुर्गों के साथ इस मामले के साथ जूझती रही और हमने उनको पेंशन दिलवाई। तो अगर हम यहाँ पर आज जमाने के अनुसार बदलते हुए ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, उनको डायरेक्ट बैंकों से लिंक कर रहे हैं, उनको अगर हम एक मॉडर्न सवाल ये भी है जा रहे हैं इससे, तो कोई इनकार नहीं कर रहा है, और अगर हम बात करते इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं ठीक कदम है, लेकिन जब तक लूप होल्स भरे ना जाएं, जब तक वो चीजें वाकई एक लैंडमार्क बन ना जाए, तब तक इस तरह के जो बयान आएंगे उन बयानों से वाकई जो हकीकत है वो तो दूर है। तो सवाल उठने तो लाजमी है, पहले वो लैंडमार्क एक बार बन जाए, पहले वो लूप होल्स भरे जाएं। आपके भी बातों से यही लग रहा है कि अभी वो लूप होल्स भरे नहीं गए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसको करना स्टार्ट किया जाता है। एक समय था, मुझे अपना स्वयं याद है कि हम लोग इसके बारे में चर्चा करते थे राशन कार्ड्स को लेकर, तो तब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी, परंतु राशन कार्ड बनना अनिवार्य हुआ, हर एक बुजुर्ग का उसमें आज नाम है, तो यही चीज आज दोबारा एक नए सिस्टम से एक नई शुरुआत की जा रही है। मुझे लगता है कि हम सबको नए सिस्टम को, अच्छे सिस्टम को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे कहीं पर भी कोई जो है खामी ना रहे, कहीं पर भी कोई बदनामी ना हो, बेईमानी ना हो, बुजुर्गों के साथ उनको सिस्टम से चीज मिले। लेकिन तो रेणु जी, अगर 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 अच्छा एक कदम है, समय पर आने पर ये बिल्कुल एकदम लाइन पे चलने लगेगा। यही 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 मेरा सवाल भी था, और आप उसी पर जवाब भी दे रहे हैं, शायद आप क्लियर नहीं हो पा रहे। मैंने यही पूछा कि समय आने पर जब सारी चीजें एक तरफ हो जाएंगी, सिस्टम सारा कुछ सही हो जाएगा, उस वक्त अगर दावे किए जाए तो ठीक है। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़े, रंजीता जी आप सहमत है रेणु भाटिया की बातों से?
देखिए ये कह रहे हैं कि हम सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं, हमारा कहना ये गलत नहीं है कि इन्होंने सिस्टम गलत शुरू किया है। तकलीफ इस बात की है कि सिस्टम पूरे हुए बिना इन्होंने उसको लागू कर दिया। जो असुविधा है वो बुजुर्गों को आ रही है। ये पहले खाते कौन खुलवाते, ये सारे आधार कार्ड बनवाते, उसके बाद सुनिश्चित करते कि हम इसके बाद सुविधा की तरफ मेंशन देंगे। अभी तो सिस्टम तो पूरे हुए नहीं है, दर्द बाद इन्होंने सिस्टम लागू कर दिया जिसकी वजह से बुजुर्ग परेशान है। 1200 से 1400 रुपए के लिए वो की जितना कम्यूट कर रहे हैं वो कितना पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं, कितना बस का किराया लगा रहे हैं। तो कहने का भी कारण ये है कि जो चीज हम किसी के लिए जिम्मेदारी शुरू करते हैं, अच्छी शुरू करते हैं जी, तो उसकी अच्छे के लिए होनी चाहिए, ना कि उसकी उसको असुविधा हो। जो बुजुर्ग 70 साल से ऊपर भी है, 65 साल से ऊपर भी है, उनके लिए 1200 रुपए लेने के लिए पहले तो अकाउंट फॉर्मेलिटीज बैंक की वो पूरी करे, फिर वो आधार कार्ड खोल ले। पहले आप कीजिए आंगन वालों की आप ड्यूटी लगाइए कि वो एक एक घर में जाकर इन चीजों को पूरा करवा ले, उसके बाद आप इस चीज को लागू करते हैं तो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। पर इसलिए कि सिर्फ आप इसको जल्दबाजी में वहां वहीं लूटने के लिए करना चाहते हैं वो बात गलत है। चलिए रंजीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रेणु भाटिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह जी आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी, आपकी इस पर राय क्या है? जिस तरीके से लूपहोल्स की हम बात कर रहे थे जब मैं आपसे चर्चा कर रही थी, लूपहोल्स काफी ज्यादा हैं। हालांकि रेणु भाटिया मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रही है कि हालांकि वो क्लियर भी नहीं थी कि वो क्या कहें, क्योंकि लूपहोल्स अभी भी हैं। ये सही है कि शुरुआत अच्छी है, लेकिन वो शुरुआत अगर सफलता के साथ आए, धीरे धीरे वो सारे लूपहोल्स अगर भर जाए, और जिस तरीके से अभी उनका ये दावा है उनके मंत्री का, वो वाकई हजम होने, क्या आपको लगता है पेंशन की टेंशन जो जल्द है वो खत्म हो जाएगी? बहुत सीधी सी बात है, मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार को जल्दबाजी किसकी है। बिल्कुल, और आप जब जब जल्दबाजी में आप कोई कदम उठाएंगे वो गलत ही उठेगा और आलोचना के घेरे में आएगा। बिल्कुल, और सरकार यही कर रही है। हाँ। सरकार का कोई भी काम हो, कोई भी कदम हो, उनका हर काम और हर कदम आलोचना के दायरे में आ रहा है, जिससे उनको जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। बहुत स्पष्ट बात है, यानी कि पेंशन बनवाने के लिए जो जरूरी दस्तावेज बुजुर्गों को चाहिए, उन दस्तावेजों को पहले पूरी तरह कंप्लीट कर लिया जाए, और उनको कंप्लीट करने के लिए सरकार को बुजुर्गों की मदद करनी होगी, और वो भी घर बैठे करनी होगी, क्योंकि शारीरिक दुर्बलता के चलते बुजुर्ग इतना लंबा सफर तय नहीं कर पाते हैं। बहुत सीधी सी बात है। अब जैसे आधार कार्ड का ही मसला इस पूरे मामले में निकल के आया, तो जितने भी बुजुर्ग हैं अगर पेंशन आधार कार्ड से ही मिलनी है, वो एक जरूरी दस्तावेज है, तो पेंशन को बनाने से पहले इस पर काम किया जाए कि हमने इतने बुजुर्ग पात्र बुजुर्ग हैं और हमने इनके आधार कार्ड बनवाने का काम पूरा कर लिया है, और सबों का आधार कार्ड बनाने का काम पूरा हो गया, अब हम पेंशन बनाने के काम पर अब हम आगे बढ़ेंगे, और इस पीरियड के अंदर हम उनको ये सुविधा दे देंगे, तब तो ये काम बहुत प्रशंसनीय होता। यानी कि जल्दबाजी में आप 10 काम छोड़ रहे हैं, एक काम को पकड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आलोचनाओं के सवाल उठेंगे। अब जैसे एक सीधी सी बात है, क्या सरकार बताएगी कि हर महीने बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है? नहीं, एक महीने की पेंशन उनको 4 महीने बाद मिलती है, इससे पेंशन का लाभ कहाँ मिल रहा है? लाभ कहाँ मिल रहा है? बिल्कुल, राहत कहाँ मिल रही है? यानी कि आप तो उनकी परेशानी को बढ़ा रहे हैं। आपने अपलोड भी कर दिया, लेकिन उसका लाभ सीधा जनता तक पहुंचा है या नहीं? अपलोड जो आप कर रहे हैं, इस अपलोड से बुजुर्ग लोगों को राहत नहीं मिल रही है, कैसे मिल रही है ये भी तो सरकार बताए ना। अच्छा होता कि मंत्री साहिबा ये बताती कि हमने ये सारे काम कर लिए, अब इस तारीख के बाद बुजुर्गों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम होता सरकार का और मंत्री महोदय का। मेरा ये कहना है कि सरकार को, मंत्री महोदय को इस तरह के जो मसले होते हैं इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप हर समस्या का समाधान आप राजनीतिक बयान से आप दें, एक आधारहीन दावा आप पेश करें, नहीं, ये एक अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी, सरकार के लिए भी और मंत्री महोदय के लिए भी। समय है वो चीजों को ठीक करें, और अब समय धीरे धीरे निकल रहा है। अब ये सरकार ये कहने से भी नहीं बचती कि हम पिछली सरकार के गड्ढों को हम भर रहे हैं। बिल्कुल भैया, ये तो हर सरकार का काम है। बिल्कुल, आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि आप यही बात कहकर आप सरकार में आए, एक साल यही कहते कहते निकाल दिया, तो अब उसका भी वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी, आपने बहुत सारे लूपहोल्स की तरफ इशारा किया, और एक बात ये भी बहुत समझ में आती है कि कथनी से ज्यादा करनी में विश्वास रखना चाहिए। जल्दबाजी किस बात की है? किसी चीज का श्रेय लेने में सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? और यही जल्दबाजी कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हैं, मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, और विपक्ष उस पर सवाल भी खड़े कर रहा है। चलिए इसी के साथ विशेष में फिलहाल लेते हैं, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।